नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आवाज। देखिए, आवाज प्रोग्राम के कई एपिसोड आप देख चुके हैं। प्रदेश के कोने कोने से लोगों की आवाज हमने उठाई, चाहे वो किसान हो, आम आदमी हो, या फिर कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में दर दर की ठोकरे खाते लोग हो, या अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग करते रोते बिलखते लोगों की आवाज हो, या फिर बढ़ते ड्रग्स के चलन को लेकर आवाज उठाना हो, या फिर नौकरी की मांग करते लोगों की आवाज बनना हो। और आज एक बार फिर से हम आपकी आवाज बन रहे हैं और आपको आगाह कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, सिर्फ चेता रही हूं कि एक बार फिर से हमें सीरियस हो जाना है। कुछ लोगों के मुंह पर से मास्क उतर गए हैं, दो गज की दूरी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब बस सावधानी जरूरी है। थोड़े दिन सावधानी से बरत लेंगे तो दूसरी लहर जैसी तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी। देश के लोगों को केंद्र सरकार भी चेता रही है कि सावधान रहिए और दूसरों को भी सावधान कीजिए। यह आवाज हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके अपने सुरक्षित रहें, आपके आसपास लोग सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। क्योंकि इन दिनों पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। इस जानलेवा वेरिएंट को रोकने के लिए भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, हांगकांग और बोत्सवाना सहित 12 देशों के नाम जारी कर दिए हैं, जहां से आने वाले हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। इन सभी यात्रियों को भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, इजराइल, फ्रांस और इटली ने दक्षिण अफ्रीका के लिए फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। इस समय अगर आप दक्षिण अफ्रीका की तस्वीरें देखेंगी तो भयाव्य है। भयाव्य इसलिए क्योंकि ऐसा दंश जो है वो भारत देख चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खोना, जलती चिताएं, बहती चिताएं भारत ने देखी है, देश ने देखी है कि किस तरह से इस कोरोना काल ने बहुत लोगों का सब कुछ लूट लिया। दक्षिण अफ्रीका में फिलहाल ऐसी ही तस्वीरें हैं, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूं कि अभी से सावधानी बरत लीजिए। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि रोड पर भीड़भाड़ बहुत ज्यादा है, शादी का मौसम चल रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे मामले कम हो रहे हैं कोरोना के, तो भारत में जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर से जिंदगी पर ब्रेक लग जाए। ब्रेक लगने से पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और तब कदम बढ़ाइए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और आगे आप खुद समझदार हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए B.1.1.529 म्यूटेंट वेरिएंट का खौफ पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, जिस पर अब WHO ने भी मुहर लगा दी है। वहीं WHO के इस बयान के बाद कई देशों में नए सिरे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप का खतरा गहराता जा रहा है। बहुत गंभीर मामला है, सावधानी से सुनिएगा। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को लेकर मोदी की 6 हिदायतें। पहली, नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयारी की जरूरत है। दूसरा, जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। तीसरा, लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। चौथा, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। पांचवा, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। छठा, राज्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई है उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। देखिए, डोजेस दे दी जा रही है, वैक्सीनेशन पर्याप्त किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस देश में, जिन भी देशों में ये नया वेरियंट कहर बरपा रहा है, वहां पर जिन्होंने दोनों डोज ले रखी है, बूस्टर डोज ले रखी है, उन पर भी इसका असर हो रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत में ये वेरिएंट आता है तो कितना कहर बरपा सकता है। सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन देशों से फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग की है जो कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उभर पाया है, हमें इस नए वेरिएंट को भारत में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
भारत ने भी सख्त कदम उठा लिए हैं। हांगकांग, बोत्सवाना, इजराइल से आने वाली यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच कर ले, किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। अमेरिका में सोमवार से अफ्रीकी देशों की फ्लाइटें बैन हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सोमवार से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नीबिया, लेथोसो, एस्वातिनी, मोजाम्बिक और मलावी से एयर ट्रैवल रोक दिया जाए। भारत में अब तक ट्रैवल बैन नहीं हुआ है, ये समझना हमें जरूरी है कि हम चौकसी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग बैन नहीं हुई है अभी तक। भारत ने अब तक किसी देश की फ्लाइट पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, इजराइल, हांगकांग और ब्रिटेन समेत यूरोप के कुछ देशों से आने वाली यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को बताया कि दक्षिणी अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारंटीन किया जाएगा, साथ ही उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। वहीं गुजरात में ऐसे यात्रियों का आरटीपीसीआर भी जरूरी होगा। यूरोपीय देशों ने अफ्रीकी देश गए पर्यटकों पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और माल्टा ने उन पर्यटकों पर बैन लगा दिया जो पिछले दो हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, नीबिया और एस्वातिनी गए थे। जर्मनी ने शुक्रवार रात से दक्षिण अफ्रीका को वायरस वेरिएंट एरिया घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ है कि यहां से आने वाली एयरलाइंस को सिर्फ इसलिए एंट्री मिलेगी ताकि जर्मन लोग वापस आ सके। जापान ने सख्त नियम कर दिए हैं। जापान ने अफ्रीकी देशों के यात्रियों के लिए नियमों को कड़ा किया है। 27 नवंबर से इन देशों के यात्रियों के लिए 10 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य है। मिस्र, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब, जॉर्डन ने भी सातों अफ्रीकी देशों पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए हैं। तो खतरा कितना बड़ा है, दुनिया जूझ रही है, यूरोप जूझ रहा है, समझिए, सोचिए। ऑस्ट्रेलिया बनाएगा सख्त कानून। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा के लिहाज से 9 अफ्रीकी देशों से सभी फ्लाइट्सों को 14 दिनों के लिए बैन किया जाएगा। दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, बेल्जियम में एक दिन में 23,350 कोरोना केसेस दर्ज, अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। स्विट्जरलैंड, एक दिन में 8,585 नए मामले दर्ज किए गए, नवंबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है। इसके अलावा जर्मनी में एक ही दिन में 73,877 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है। इटली में 1 मई के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा 12,448 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में एक दिन में 32,591 नए केसेस दर्ज किए गए, ये पिछले हफ्ते से 61% ज्यादा है और अप्रैल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी ग्रोथ है। ये आंकड़े मैं अलग अलग देशों के इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब हमारे देश में मामले कम आ रहे हैं, तो हमें अभी सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना है, जितना हो सके उतना बचे, बेवजह लापरवाह ना बने, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है और वही मौसम आ रहा है। 2 साल से हम इसी मौसम में ये चीजें झेलते हैं, इसलिए इस बार नहीं, सावधानी बेहद जरूरी है। सरकारें अपना काम कर रही है लेकिन आम जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको भी जिम्मेदार होना है। अब हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो ऐसे में नए वेरिएंट से जुड़े कुछ अहम सवाल जवाब हैं, उन पर भी नजर डालना जरूरी है। वेरिएंट पहली बार कब मिला? 11 नवंबर को बोत्सवाना में मिला, उसके बाद हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम में मिला। अब ये कितनी तेजी से फैल रहा है? बहुत तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग हुई है, इसलिए इसकी असल रफ्तार और ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञ चिंतित आखिर क्यों हैं? वायरस इंसान की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन शरीर को इन स्पाइक को पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए तैयार करता है। B.1.1529 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट है। इससे वैज्ञानिक चिंतित है क्योंकि म्यूटेशन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचकर अगली लहर का कारण बनता है। नए वेरिएंट का जोखिम आखिर कितना है? अभी इसकी जानकारी बहुत कम है, ये विदेशी यात्रियों के जरिए पहुंच सकता है। इसके खतरे की सही जानकारी कब तक हो सकती है? वैज्ञानिकों को वायरस का स्वभाव समझने में 1 सप्ताह लगता है। वायरस के प्रति इम्यूनिटी की प्रतिक्रिया पर अच्छा डेटा आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। क्या इसे पहले ही रोक सकते हैं? ये भी अहम सवाल है। अभी सबूत नहीं मिले हैं कि B.1.1.529 उसी तरह फैला है जैसे डेल्टा फैला था। नया सही समय पर कदम उठाकर और वैक्सीनेशन से इसे भी सीमित किया जा सकता है। हमारे पास चांस है, मौका है, तो मौके को मत गवाइए।
सावधान रहिए, भारत में सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि हमने लापरवाही बहुत देखी है। अभी मामले नहीं आए हैं भारत में, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से वैसी तस्वीर सामने आए, इसलिए अभी से ही सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि अपनों को खोने का दुख क्या है वो हमने देखा था दूसरी लहर में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो भारत में भी उठ रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज हम बने हैं और हमने डॉक्टर से खास बातचीत की है। देखिए डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद डॉक्टर रंजन। देखिए आज जिस तरह से पूरी दुनिया में इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बात हो रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका नाम WHO ने दिया है, इसको किस तरह से आसान शब्दों में हमें समझना चाहिए ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो उसे बहुत सही से समझ सके। देखिए ओमिक्रॉन वायरस जो है, जो अभी डिस्कवर हुआ है वो बोत्सवाना में, अभी राहत भरी खबर ये है कि इंडिया में अभी एक भी इसके अफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं, एक भी पेशेंट में डिस्कवर नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन जैसा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और बता रहे हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है जी, जैसा पहले डेल्टा वेरियंट था उससे कहीं ज़्यादा तेज फैलता है, और इनफैक्ट जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनमें भी होने की संभावना है, पर इसके लिए अभी रिसर्च होनी बाकी है जी। ये और रिसर्च होगी तो हमें पता चलेगा कि जो हमें वैक्सीन लगी है वो हमें ओमिक्रॉन वायरस के इफेक्ट से बचा पाएंगे या फिर हमें बूस्टर डोज लेने की जरूरत है जी। और जैसे अब इंडिया में अभी हम बात करें तो इंडिया में फिलहाल जो कोरोना है, अच्छी चीज ये है कि दिवाली वगैरह में जो थर्ड वेव की आशंका थी वो आई नहीं, और अभी पैंडेमिक की जगह एंडेमिक बना हुआ है, मतलब कि देश के कुछ पार्टिकुलर हिस्सों में जैसे कि केरला में, नॉर्थ ईस्ट में, थोड़े बहुत कर्नाटका तमिलनाडु में ही है, जो सेंट्रल ये दिल्ली और आसपास के एरिया है उसमें बहुत मिनिमल केसेस हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ केसेस थोड़े से बढ़े हैं, इसलिए हम सबको प्रिकॉशन लेके चलना होगा, अलर्ट रहना है। जैसा हम देख रहे हैं कि यूरोप में केसेस काफी बढ़ चुके हैं और कई जगहों यूरोपियन कंट्रीज ने काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेना शुरू किया है और कई जगह से फ्लाइट्स भी बंद कर दी, इंडिया को भी भारत सरकार ने आगे कुछ ऐसे इसके लिए कुछ नए साइंटिस्ट से रिसर्च लेने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद कुछ उपाय करेंगी, और हमें अभी भी सारा प्रिकॉशन लेकर चलना है जी, बिल्कुल, लोगों से डिस्टेंस जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन। लेकिन देखिए जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी, डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था, तो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन में हम फर्क किस तरह से समझे, कितना फर्क इसमें है? देखिए ओमिक्रॉन के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च आएगी तो हम ज्यादा कुछ बेहतर बता पाएंगे, अभी उतनी रिसर्च नहीं आई है, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि साइंटिस्ट अभी बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है और जिनका इम्यूनिटी अच्छा भी रहता है उसमें भी अटैक कर सकता है, पर अगले कुछ दिनों में इसकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी, हम इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे जी। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, और देखिए जिस तरह से अगर पॉल्यूशन की बात कर लीजिए, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं पूरे देश में, लगभग ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं करीब 1.5-2 साल बाद, तो क्या अब अगर मान लीजिए, ये बहुत राहत वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि भारत में अभी इसका एक भी केस नहीं आया है, लेकिन बच्चों को सावधान किस तरह से रखा जाए? देखिए पॉल्यूशन की वजह से वैसे ही तमाम परेशानियां हम युवाओं में या फिर बुजुर्गों में या फिर बच्चों में देख रहे हैं, आमतौर पर हर किसी की आंखों में जलन होती है, सांस लेने की परेशानी हो रही है, लेकिन इस सब को ध्यान में रखते हुए ओमिक्रॉन वायरस से भी किस तरह से हमें बच के रहना चाहिए? देखिए छोटे बच्चों के स्कूल फिलहाल तो आई थिंक अभी ऑनलाइन जैसा चल रहा था वैसे ही करनी चाहिए, किसी भी तरह की हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नया वायरस है और अभी तक आया नहीं है, जब तक कोरोना पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाता है कंट्री तब तक हम छोटे, क्योंकि हमने अभी भी देखा कुछ स्कूलों में, खासकर बैंगलोर के स्कूलों में और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्कूलों में, जब स्कूल खुले तो पूरा स्कूल में मैक्सिमम पूरी की क्लास में से 60-70% बच्चे संक्रमित हो रहे थे जी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि लाइफ को पहले प्रायोरिटी पे रखना होगा, कुछ दिन और हम लोग स्कूल, जैसे छोटे बच्चों का स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए चल रहा है या फिर 50% या 40% बच्चे जैसे कर रहे हैं एक साथ पूरा अटेंडेंस ना लेकर ही कंटिन्यू करें, और सेंट्रल दिल्ली में जैसे पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, सरकार ने ऑलरेडी छोटे बच्चों के स्कूल अभी बंद कर रखे हैं, तो घर छोटे दिल्ली और आसपास के एरिया में
जगह पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पराली वगैरह जलती है, अभी भी इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी अभी इतनी जल रही है और उसकी वजह से इतनी ज्यादा पोल्यूशन है, तो जी बच्चों को सेफ रखने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन। और देखिए पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो कई देश ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। बड़े बड़े देशों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और भारत की बात की जाए, भारत में भी वैक्सीनेशन एक बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो क्या वैक्सीनेशन से इस वायरस को रोका जा सकता है? डेफिनेटली वैक्सीनेशन वायरस का संक्रमण फैलाने में बिल्कुल बिल्कुल मतलब संक्रमण ना फैलाने में बिल्कुल मदद करती है। जी और ये ओमिक्रॉन कितना संक्रमित है ये कुछ दिनों में पता चल पाया कि हमने जो वैक्सीन लिए हैं वो इसके अगेंस्ट भी काम कर पाएगा या फिर हमें बूस्टर डोज लेने की जरूरत होगी। हम जैसा हम सबने देखा है कि वैक्सीनेशन की स्पीड इतनी अच्छी रही पूरे भारत में, तो सेकेंड लहर के बाद जैसा प्रेडिक्शन रहा वेव जो दिवाली दशहरा के टाइम में जहां इतना ज्यादा लोग मार्केट और सब में घूमते हैं आ पाएगा, कुछ उस तरह नहीं हुआ और लकीली थर्ड वेव उस तरह से आई नहीं इंडिया में। पर जी जैसा ही यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंग पहले भी हमने देखा है कि पहली और दूसरी लहर यूरोपियन कंट्रीज में जब पीक पे पहुंची उसके 2 महीने बाद इंडिया में भी आया था। तो हमें अपनी तरफ से तो सारी जो प्रिकॉशंस लेने ही होंगे ताकि हम सेफ रहें। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन। एक चीज और यहाँ पर देखी गई है, देखिए वैक्सीनेशन की मैंने अभी बात की थी, एक सवाल पूछा था वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए जिन देशों में अभी इस वायरस के इस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर भी वैक्सीनेशन हो चुका है। और हर बार जब ये कि नया वेरियंट सामने आता है देखने को मिलता है तो एक नए रूप में आता है, तो किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सके? क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन चाहे कर लीजिए, वैक्सीनेशन के बाद भी दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही संक्रमित करता है, और तो फिर क्या कुछ और इसमें हो सकता है? देखिए जैसा है कि ये तो रेप्लिकेट वायरस रेप्लिकेट करता है और नए स्ट्रेन डेवलप करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग को वैक्सीनेशन के लिए जरूरत पड़ती है, तो हमें एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन लेने की जरूरत पड़ेगी अगर रेप्लिकेट करता है। कुछ ऐसा पता चलता है स्टडीज में साइंटिस्ट को कि ये जो हमारा जो एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट अगर नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल लेने की जरूरत पड़ेगी। पर फिर भी जो वैक्सीनेशन ली है जो वायरस के जो मैक्सिमम हार्मफुल इफेक्ट्स रहे उनको उनमें से तो जरूर बचाएगा, जरूर रक्षा करेगा। लेकिन अभी भी हमने देखा है कुछ केसेस दो कुछ पेशेंट्स जो ऐसे थे जो दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उनको कोरोना हुआ है और कुछ जी केसेस में डेथ भी हुई है। तो वैक्सीन 100% तो नहीं लेकिन हाँ 80% तक जरूर सुरक्षा प्रदान करता है इन वायरस से। बिल्कुल डॉक्टर तो रंजन। वैक्सीन के साथ साथ जी बिल्कुल जी हमें बाकी जो प्रिकॉशन है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना, मास्क पहन के रखना, हाथ और मुंह हमेशा वॉश करते रहना, वो जरूर हमें फॉलो करने होंगे। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, क्या अभी इस वेरिएंट के बारे में इतनी जानकारी आ चुकी है कि ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करेगा? क्योंकि अगर फर्स्ट वेव की बात कर ली जाए तो पहली लहर में बुजुर्गों पर ज़्यादा असर देखने के लिए मिला था, सेकेंड वेव में युवाओं पर इसका असर देखने को मिला था। तो क्या इस वेरियंट के बारे में अभी तक इतनी जानकारी आ पाई है कि किस एज ग्रुप पर यह असर करेगा ज़्यादा? अभी तक इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है। अगले कुछ दिनों में कुछ रिसर्च और बाकी जो केसेस होंगे उनसे आइडिया लगेगा, तब हम कुछ बेहतर बता पाएंगे। अभी इसको वेरिएंट को सोचकर बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस जो आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन सब लोग ले रहे हैं जी नॉर्मल कोरोना और ये डेल्टा वेरिएंट के लिए वो अभी कंटिन्यू रखें जी और बिल्कुल बेहतर डॉक्टर जानकारी आएगी कुछ दिनों में जी तो जी हम ज्यादा बता पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर। बस जाते जाते ये चाहूंगी कि किस तरह से हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। क्योंकि लापरवाही लोगों में बहुत ज्यादा इस दौरान इन दिनों में देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि देखिए थर्ड वेव की बात की गई थी, थर्ड वेव नहीं आई, ये बहुत अच्छी और राहत की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में अब एक डर खत्म हो चुका है, लोग अब लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। भीड़ जगह जगह देखी जाती है, शादियों का ये सीजन शुरू हो चुका है, फिर मास्क लोगों ने लगाना छोड़ दिया है। तो जाते जाते मैं बस ये चाहूंगी कि किस तरह से सावधान रहना है, क्या कुछ करना है, वो भी आप बताइए। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि अब पहले भी हम लोगों ने 1-1.5 साल किया है, अननेसेसरी अगर आपको जरूरत ना हो तो घर से बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और अगर जाना पड़ रहा है तो मास्क पहन के जाएं, बाहर से आए तो अपने हाथ और मुंह जरूर धोएं और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें।
ये प्रिकॉशन लें, बच्चों को भी यही फॉलो करने, उनको गाइड करें कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, फिर से कभी भी दस्तक दे सकता है, तो हम सबको उसके अगेंस्ट ये तैयारी कर रखनी होगी। जी चलिए ठीक है डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। देखिए भारत में ये क्रोमिकॉन वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन मामले कोरोना के जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कोरोना विस्फोट हमने महाराष्ट्र गुजरात में भी देखा है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कोरोना का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया हो। देखिए वो दर्द, इसको दिखाने का मकसद सिर्फ आपको आगाह करना है, डराना बिल्कुल नहीं है। हमारा जो पेशेंट था उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया बिना पूछे। हमारा पेशेंट कल 6:30 बजे का एक्सपायर हो गया और हमें अभी तक कुछ नहीं बताया था। यहाँ आके हमें खाना पानी सब जा रहा हमारे पेशेंट के पास, और हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारा पेशेंट नहीं रहा है। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये? कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया हमारे पास, कुछ भी। कल से परेशान हूँ मैं पता करने में मेरा पेशेंट है कहाँ, तब जाके आज पता लगा सुबह से नचा रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कैसी हो गई है अब भी यहाँ से आ रहे हैं। दूसरे को अगर देखने भी ज्यादा जा रहा है तब भी भगा देते हैं, कहते चलो। क्या हवाला किस चीज का देते हैं? अरे वो कोरोना की वजह से कह रहे हैं कि दूर दूर रहो। तो आप यहाँ फुटपाथ पे हैं, यहाँ इकट्ठे आप बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है, तब कोई कुछ आके नहीं कहता? नहीं नहीं कोई नहीं, अंदर जाने नहीं देते, फिर क्या करोगे? यहाँ पर आप रुके तो यहाँ पर कोई तो आता होगा, कोई पुलिस कर्मी आता होगा या अंदर से सिक्योरिटी आती होगी? यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ नहीं कोई आता। आप बताइए। नहीं कोई नहीं आता। कोई नहीं आता तो इनकी सुनने के लिए और इनकी जानने के लिए कोई नहीं आता है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे भी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटे बच्चे इस कोरोना पीरियड में इस पैनिक स्थिति में यहाँ पर हैं, और ये इतने छोटे हैं कि इनके फेस पर जो मास्क है वो भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि अगर मास्क लगाए तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी। आप बताइए कि आपके और बच्चे हैं जो अस्पताल में? 8 साल का बेटा है। 8 साल का बेटा, क्या परेशानी है? लीवर में, लीवर में पस पड़ गई है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अभी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं है बच्चे के पास? मम्मी है उसकी। उसकी मम्मी है? क्यों, आपको क्यों नहीं जाने दे रहे? आप पिता हैं और आपका हक भी बनता है कि आप बच्चे को देखें। बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस आती है, क्या कहती है पुलिस? कुछ नहीं आती है। कुछ नहीं कहती? आप बिना मास्क के भी रहे तो भी कुछ नहीं कहती? नहीं। तो आप सुन रहे हैं, एक तरफ जहाँ ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट है कोरोना को लेकर, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस यहाँ आती है, इन्हें देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, चाहे इन्होंने मास्क पहना हो चाहे नहीं पहना हो, इनकी तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। आप बताइए कि आप यहाँ किस लिए? मैं तो इन लोगों के साथ में आई। आप सभी साथ में हैं, तो एक परिवार है ये साथ में है, क्योंकि इनका बच्चा जो है वो अस्पताल में है लेकिन अंदर रुकने नहीं दिया जा रहा है। कुछ एक यहाँ पर बुजुर्ग महिला, उनसे जानेंगे। आप बताइए कि आप यहाँ पर क्यों हैं? बेटा वहाँ साफ़ सफाई चल रही है ना, सुबह जब हम बाहर निकाल दिए ना, बोले भाई बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाइए यहाँ। बताया गया है कि बीते 24 घंटों में 8 से लेकर 12 लोगों की मौत हुई और डेथ टोल जो है वो 104 से 114 पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो शवों की लगी हुई हैं।